अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो जो है कतर विज़िट से रिलेटेड ही है। हम इस जर्नी को कंटिन्यू करते हैं, उसी का पार्ट टू है ये। तो हम लोग पहुंच चुके थे लुसेल एरिया में और इस वक्त है मरीना ट्विन टावर। तो ये टावर जो है ये यहाँ पर ऑफिसेस, रेस्टोरेंट्स और इस किस्म की बहुत सी दूसरी चीज़ें भी मौजूद हैं। तो इसके बाद अब हम चल रहे हैं अपने मेन पॉइंट क्रिसेंट टावर की तरफ। इसको कटारा टावर भी कहा जाता है और इसे बनाना स्टार्ट किया गया था 2014 में और इसे कंप्लीट किया गया है फीफा वर्ल्ड कप के साथ ही 2020 में। और इस टावर की जो है वो स्पेसिफिकेशंस क्या हैं कि यहाँ पर 40 फ्लोर्स हैं और 67 लिफ्ट्स जो हैं वो एट अ टाइम ही चल रही होती हैं। और यहाँ पर जो है काफ़ी 5 स्टार्स और 6 स्टार्स होटल्स हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर रेस्टोरेंट्स हैं, डिफरेंट शॉप्स हैं और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ चलती हैं यहाँ पर। तो इस टावर के पास जो है बहुत से लोगों का रश था और यहाँ पर जो है वो मौसम बड़ा ज़बरदस्त था और ये व्यू देखने वाला था समंदर के किनारे। तो इस टाइम जो है वो मगरिब का वक्त हो चुका है, आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा फैल रहा है, लेकिन ये जहाँ पर हल्की सी रोशनी भी हमें आसमान पे नज़र आ रही थी तो बड़ा ही खूबसूरत सा व्यू था। तो जी नेक्स्ट डे अब हम जा रहे हैं ओल्ड दोहा पोर्ट की तरफ और उसके सामने ही बिल्कुल हमें दोहा अल कॉर्निश नज़र आ रहा था और बहुत ज़बरदस्त सा व्यू लग रहा था। तो चलिए चलते हैं अपने मेन पॉइंट पे। रास्ते में और भी बहुत सी ऐसी जो हैं बिल्डिंग्स और पॉइंट्स थे जिन्हें विज़िट किया जा सकता है। और यहाँ पर है फनर मस्जिद, इस्लामिक कल्चरल सेंटर दोहा। और उसके साथ ही यहाँ से टर्न करते ही हमें जो है ये फ्लैग प्लाज़ा नज़र आएगा। यहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज़ के बहुत सारे फ्लैग्स जो हैं वो लगाए गए हैं। इसके साथ ही अब हम जा रहे हैं ओल्ड दोहा पोर्ट की तरफ। तो ये एरिया जो है इसे बेसिकली समंदर के अंदर है और पानी को ड्राई करके इस जगह को कंस्ट्रक्ट किया गया है। ये विज़िटर्स के लिए छोटे छोटे से रेस्टोरेंट्स बना रखे हैं। तो यहाँ पर इनकी बैक साइड पे बिल्कुल समंदर है, आप समंदर किनारे बैठ के अपना खाना, अपनी टी वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके थे और इसके बाद यहाँ पर काफ़ी टाइम गुजारने के बाद अब हम चलेंगे वापस। यहाँ पर कुछ आइलैंड्स भी हमें नज़र आ रहे थे जिन्हें खुद से बनाया गया है और इसके बाद वापसी का टाइम हो चुका है। और यहाँ पर जो है एयरपोर्ट पास में ही है इसलिए आते जाते बहुत से एरोप्लेन्स हमें नज़र आ रहे थे। तो चलिए चलते हैं अल कॉर्निश वाली साइड पे, जो डे टाइम में इसका व्यू भी काफ़ी खूबसूरत सा था, नाइट टाइम में भी काफ़ी डिफरेंट सा नज़र आ रहा था दूर से ही और डे टाइम में भी एक अलग ही व्यू था इनका। तो यहाँ पर पहुँचने के बाद कुछ टाइम गुजारा और उसके बाद हम लोग पहुँच चले गए कटारा विलेज की तरफ। कटारा विलेज जो है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त सी जगह है और इस जगह पर हमें डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ भी मिली। तो यहाँ पर जो है एक सबसे अमेजिंग सी बिल्डिंग जो थी वो है चिल्ड्रंस मॉल। तो दूर से देखें तो यूँ एक बॉक्स शेप में हमें नज़र आता है और इसके साथ ही ये कटारा विलेज है। इस जगह पर काफ़ी ज़्यादा लोग थे, बहुत ज़्यादा रश था और डिफरेंट किस्म के जो बच्चों के कार्टून्स के करेक्टर्स होते हैं वो भी नज़र आ रहे थे, बच्चे उनके साथ पिक्चर्स वगैरह बनवा रहे थे। और यहाँ पर जो है फाउंटेन्स का म्यूज़िक के साथ एक छोटा सा डांस वगैरह भी था। तो ये फाउंटेन्स जो हैं ये म्यूज़िक के साथ साथ मूव कर रहे थे। और ये कटारा विलेज का अंदर वाला हिस्सा है
अंदर ही अंदर काफ़ी खूबसूरत सी जगह थी ये। के बाद हम बाहर निकले तो हमें एक और मज़े की चीज़ नज़र आई, ये थी सैंड आर्ट। तो यहाँ पर जो बैठे हुए थे ये सैंड के साथ डिफरेंट किस्म की जो है शेप्स बना रहे थे, और अगर आप नेम लिखवाना चाहते थे तो नेम वगैरह भी लिख रहे थे। और यहाँ से फ्री होने के बाद हम लोग आ गए थे दी पर्ल में, और ये भी बहुत ही एक ड्रीमी सी प्लेस थी, बहुत खूबसूरत थी, बहुत मज़ा आ रहा था और बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का माहौल था यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने काफ़ी टाइम गुजारा और कॉफ़ी वगैरह पी। तो यहाँ पर जो है बहुत से लोग आए हुए थे, और कुछ लोग जो थे वो बोटिंग भी कर रहे थे, और यहाँ पर बहुत सी शॉप्स थी, रेस्टोरेंट्स बने हुए थे, लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, बैठ के कॉफ़ी वगैरह पी रहे थे। तो कॉफ़ी पीने के बाद हम लोगों ने घूम फिर कर इस जगह को देखा, बहुत ही खूबसूरत सी जगह थी। तो ऐसे ही बहुत सी जगहों को देखते हुए हम लोग पहुंच गए थे एस्पायर टावर के पास, और इसके पास ही बिल्कुल एक ज़बरदस्त सा मॉल है, विलेजियो मॉल। तो यहाँ ये भी एक देखने की जगह है। यहाँ पर जो है इन्होंने आर्टिफिशियल वे में एक आसमान सा बना रखा है, लेकिन दिखने में वो बिल्कुल इस तरह लगता है जैसे रियल हो। और बहुत ही ज़बरदस्त सा ये मॉल था, इसमें हर तरह के ब्रांड्स, हर तरह की शॉप्स थी। तो यहाँ पर भी लोगों का काफ़ी रश था, क्योंकि ईद चल रही थी, तो इसी वजह से बहुत सी जगहों से भी लोग आए हुए थे, और यहाँ पर रहने वाले लोग भी ऑलरेडी जो थे वो यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आए हुए थे। और ये हमारा लास्ट डे था कतर में, इससे नेक्स्ट मॉर्निंग हमारा वापसी का दिन था। ये हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हम लोग वापस जाने के लिए आ चुके हैं। बोर्डिंग हो जाने के बाद और सारा प्रोसेस होने के बाद हम लोग फ्री हो गए थे, तो घूम फिर कर थोड़ा सा एयरपोर्ट को देखा, और उसके बाद हमारी फ़्लाइट का टाइम हो गया। और 1.5 से 2 घंटे के बाद हम लोग पहुंच चुके थे ओमान, मस्कत सिटी में। तो इस तरह से जो है हमारा कतर का जर्नी वो कंप्लीट हुआ, और ये बहुत ही ज़बरदस्त सा लाइफ का एक्सपीरियंस था। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इसके साथ साथ कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।